हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप अगर आपने चैप्टर वन की वीडियो देख ली होगी तो आपको चैप्टर वन इजीली अच्छे समझ में आ गया होगा। और मोस्टली जिन बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, मैंने उनको PDF भी प्रोवाइड कर दी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि बेटा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे कुछ सिद्धांत होते हैं कि अगर हम उसका ऐसा करेंगे तो ये होगा और ऐसा करेंगे तो ये होगा। ऐसे ही मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल जो फंडामेंटल ट्रुथ है, मींस कि अगर आपने वैसा किया तो वैसा होना ही है और नहीं किया तो होना, यानी कि अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। तो इसमें क्या कह रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रुथ दैट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर सेट ऑफ वेरिएबल अंडर सर्कमस्टांसेस। यानी कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिससे हमारा मैनेजमेंट इफेक्ट करता है, उससे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्होंने बताया है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है नेचर, पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मींस जो हमारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पर ये एप्लीकेबल होता है। दूसरा है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मींस इसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को फॉलो करनी पड़ती हैं, किस सिचुएशन में क्या फॉलो करना है, किस सिचुएशन में क्या फॉलो नहीं करना है, इसकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं लिखी। तीसरा होता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मींस जितना हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमारे प्रिंसिपल निकल के आए हैं। यानी कि जितने भी मैनेजर हैं उन्होंने ह्यूमन के बिहेवियर में डील करा, ह्यूमन के बिहेवियर को देखा, उसके बाद आपके ये प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं। ये किसी लेबोरेटरी में चेक नहीं किए गए, है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस जैसा हम चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, दे आर नॉट रिगिड। रिगिड मींस आप जिसको हाल फिलहाल चेंज नहीं कर सकते। मेनली बिहेवियरल, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि मैनेजमेंट में जो हम डील करते हैं वो ह्यूमन के बिहेवियर में डील करते हैं, इसीलिए ये मेनली बिहेवियरल होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। जितने भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करते हैं हमारे को साइंटिफिक डिसीजन लेने में। यानी कि वो किसी लॉजिक को छोड़कर फैक्ट बताते हैं कि यार ऐसा है इसलिए ऐसा करना होगा। फोर्थ है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। आपका जो भी एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, उस चेंज के हिसाब से मैनेजमेंट को क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें मदद करते हैं। उसके बाद है कॉज इन इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जो हमारे पास ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, उसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि जो किसी कंडीशन पर डिपेंड है। कंटिंजेंट मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस पहला है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यानी कि मैनेजर जो सोच रहा होता है उस सोच से लाके जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो रियलिटी बताते हैं कि मैनेजर भाई साहब आप ऐसा सोच रहे हो, क्या वो रियल में है या नहीं है। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं, यानी काम को टाइम पर करते हैं और कम से कम कॉस्ट पर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद से। उसका फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद से हम अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाते हैं। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो हमारा ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, और सबसे पहले हम बात करेंगे टेलर्स के प्रिंसिपल्स की। टेलर्स ने, हमारे जो टेलर थे फ्रेडरिक विल्सन टेलर, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है। इन्होंने अपना कैरियर 1870
यानी कि ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑपरेटर इन 1870, यानी कि 1870 में उन्होंने एक ऑपरेटर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया और चीफ इंजीनियर बने मेडियल स्टीव वर्क में 1884 में। उनके अनुसार जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू मीन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी उनका मतलब था कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे उसे चीपेस्ट वे में कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे जिनका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किन ने दिए? फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी अंगूठा छाप व्यक्ति यूज कर सके। टेलर सजेस्टेड दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी व्हिच इज डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस। सबसे बढ़िया तरीका अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए वो है जो आपने स्टडी करके और एनालाइज करके किया है, ना कि आंख बंद करके। तो इसलिए उन्होंने अपने पहले नेम को कहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसी के बाद दूसरा आता है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? इन अ फैक्ट्री सेटअप अ काइंड ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट यूजली एग्जिस्ट विच कैन सीरियसली हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ कब बड़ा रूप ले लें मालूम नहीं। इसलिए टेलर एडवोकेटेड एलिमिनेशन ऑफ सच कन्फ्लिक्ट एंड सजेस्टेड दैट देयर शुड बी कम्प्लीट हारमोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। इसलिए टेलर ने कहा है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। हारमोनी मीन्स उन सब में जो एकता है वो भंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा था प्रिंसिपल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि द प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ हारमोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हमारा प्रिंसिपल्स था उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए वर्क फोर्स में और मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट शुड एंटरटेन सजेशन मेड बाय एम्प्लॉय एंड वर्कर। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जो भी सजेशन दे रहे हैं वर्कर उनको एंजॉय करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, ना कि कोई अनरीजनेबल बात कहनी चाहिए, है ना, क्योंकि कॉपरेशन किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति का उतना आप वर्क कराओ कि वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंच जाए या ट्राई करे। मतलब इट मींस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, यानी काम को कम से कम कीमत पर करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ये तो बात हो गई हमारे प्रिंसिपल्स की। अब कुछ टेक्निक थी, टेलर ने कुछ टेक्निक डेवलप करी थी एक्सपेरिमेंट करने की। पहला है फंक्शनल फॉरमैनशिप, यानी कि टेलर ने कहा था कि जितने भी हमारे पास स्पेशलिस्ट फॉरमैन हैं उनको स्पेसिफिक जॉब दी जाए। उन्होंने क्या करा, सारे स्पेशलिस्ट फॉरमैन थे उनको टू डिपार्टमेंट में डिवाइड करा। एक डिपार्टमेंट कहा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा और एक डिपार्टमेंट होगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, यानी कि दो डिपार्टमेंट कर दिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमारे कौन कौन से लोग आते थे? रूट क्लार्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लार्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लार्क। प्रोडक्शन में कौन कौन से आते थे? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये सभी लोग मिलके वर्क करते थे। अब मैं बताता हूँ कि सबका जो वर्क था वो क्या क्या था। सबसे पहले बात आती है, तो उसके बाद सबसे पहला आता है हमारा रूट क्लार्क। रूट क्लार्क का मतलब होता है जो डिसाइड करता है, डिसाइडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिटरमाइन द रूट फॉर रॉ मटेरियल इक्विपमेंट, यानी कि कच्चा माल कहाँ से आएगा और वो कहाँ पर बनेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लार्क का काम क्या होता है? जो भी हमारे वर्क फोर्स है यानी कि लेबर है उन्हें बताता है कि उन्हें कौन सा टास्क कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लार्क, डिटरमाइन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड कॉस्ट विद विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म, यानी कि कितने समय में और कितनी कॉस्ट में आपको वो टास्क करना है, वो हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लार्क बताता है। लास्ट का फोर्थ है डिसिप्लिनिंग। डिसिप्लिनिंग यानी कि ये मेंटेन करता है कि जो भी हमारा रूट क्लार्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लार्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लार्क ने वर्क दिया है वो टाइम पर या सही से हो रहा है या नहीं हो रहा।
अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस मींस अरेंजिंग वर्कर मशीन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी हमारे वर्कर चाहिए, जो भी हमारे पास मशीनरी चाहिए, उनकी रिक्वायर अगर होती है तो वो पूरी करता है। उसके बाद आता है हमारा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस एंश्योर करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो क्विकली हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसमें कोई डिले तो नहीं आ रहा, वो हमारा स्पीड बॉस का काम है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मींस जो हमारी मशीन है उन्हें मेंटेन करना, उनमें कोई खराबी नहीं आए, है ना। लास्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर भी वही काम करता है जो हमारा प्लानिंग में डिसिप्लिनिंग करता है, यानी कि तीनों चीज़ देखता है कि हमारा गैंग बॉस, रिपेयर बॉस वगैरह का जो वर्क है वो टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा हमारा है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेलर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कैन बी अचीव बाय स्टैंडर्डाइजेशन द प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मशीन मेथड और वर्किंग कंडीशन, यानी कि हम अपने काम करने के तरीके को स्टैंडर्ड बढ़ाएं, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड बढ़ाएं, मशीन का स्टैंडर्ड बढ़ाएं, तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाएंगे, है ना। ऑल दीज थिंग्स शुड कन्फर्म टू सर्टेन प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड, इनको एक स्टैंडर्ड तक सेट कर दिया जाए। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अननेसेसरी वेराइटी की चीज़ें हैं उनको हटाएं। तीसरा आता है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमारे चार चीज़ होती है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है, मेथड स्टडी में एम होता है कि हमारे पास काम करने का, पर्टिकुलर टास्क को करने का बढ़िया से बढ़िया मेथड हो। दूसरा होता है मोशन स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू एलिमिनेट वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर। जो हमारे वर्कर हैं जो फालतू का मूवमेंट कर रहे हैं या फालतू का काम है जो अननेसेसरी, उसको अवॉइड कैसे करें। टाइम स्टडी यानी कि इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे कितने एम्प्लॉय कितने काम को कितने टाइम में कर रहे हैं। लास्ट है फैटिग स्टडी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैटिग स्टडी में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई वर्कर लगातार वर्क करता है कंटिन्यूस टाइम तक, तो उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो अगर हम उसे रेस्ट इंटरवल में काम करवाएं, यानी कि रेस्ट दे दे के काम करवाएं, तो वही उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। तो ये चार स्टडी थी। उसके बाद फोर्थ आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट मींस डैट इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर, जो हमारे वर्कर हैं अगर आप उन्हें मोटिवेट करना चाहते हो तो आप रेमुनरेशन को डायरेक्ट लिंक कर दो प्रोडक्शन से। जितना प्रोडक्शन करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट रहता है मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारे वर्कर्स का एटीट्यूड है, उसको ऑब्जर्व करना। तो ये सारी कहानी थी हमारे विल्सन टेलर जी की, उनके प्रिंसिपल, उनकी टेक्निक। अब हम बात करेंगे हमारे फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे हेनरी फ्यूल थे, इन्हें हम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर कहा जाता था, है ना। तो इन्होंने भी अपने कुछ प्रिंसिपल दिए। उन प्रिंसिपल्स में 14 प्रिंसिपल टोटल है, जिसमें पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हमें ये कहता है कि आप जितना भी हमारे पास वर्क का लोड है उन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और जितने भी इंप्लॉय हैं उन सब में बांट दो। जितना काम है और जितने इंप्लॉय हैं उससे डिवाइड करके हर पर्टिकुलर पर्सन को एक टास्क दे दो, ताकि आपका जो वर्क लोड है वो भी कम होगा। प्लस अगर हम किसी एक वर्कर से एक ही तरीके का वर्क रेगुलरली वे में करवाते हैं तो वो उस वर्क में स्पेशलिस्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। सेकंड प्रिंसिपल है इसका। के बाद सेकंड प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बेटा ध्यान से समझना, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में एक ही फर्क है, पावर टू टेक डिसीजन। यानी कि मान लो आप मैनेजर हो और आपने अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को काम दिया कि यार ये मेरा काम है सो कर देना, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं बताऊँ तब करना। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक ऑब्लिगेशन मिली है वो आपको पूरा करना है, इसमें आपको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया। अथॉरिटी में क्या है कि आपसे आपके मैनेजर ने कहा यार मेरा ये काम कर देना, और कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़े तो आप ले लेना आराम से, मुझसे मत पूछना। यानी कि ऑब्लिगेशन भी है और पावर टू टेक डिसीजन भी है, इसको हम कहते हैं अथॉरिटी। तो ये होता है सेकंड प्रिंसिपल। तीसरा है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन मीन्स मैनेजमेंट शुड एंश्योर डेट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलो एंड ओबे बाय एवरीवन। यानी कि जितने भी हमारी कंपनी के रूल हैं और रेगुलेशन हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या वर्कर हो। और अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, नहीं फॉलो कर रहे तो फाइन या पेनल्टी करी जाए। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक कहा जाए कि ज्ञान देने वाला जना एक एम्प्लॉय को एक ही होना चाहिए, यानी कि एक एम्प्लॉय पे ऑर्डर देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा किसकी सुने किसकी। हमारा जो एम्प्लॉई वो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, यानी कि हर एम्प्लॉय को कमांड देने वाला एक पर्सन होना चाहिए। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन वन हेड वन प्लान। आपके 10 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉय को जो वर्क का एफर्ट है वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी कि 100 लोग मिला के जो वर्क करना चाहिए वो वही होना चाहिए जो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मींस एम्प्लॉय शुड बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर, दे शुड गिव प्रायोरिटी टू इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर ओवर देयर इंडिविजुअल पर्सनल। मैनेजर मस्ट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट गिवन प्रायोरिटी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो आपका एम्प्लॉय है वो आपके हित में काम करेगा तो आपको भी उसके हित के बारे में सोचना पड़ेगा। सेवन्थ है फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय, मीन्स जो वर्कर जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट जो हुआ है उसी के हिसाब से मिलना चाहिए, रेमुनरेशन उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। एट्थ प्रिंसिपल आता है, एट्थ प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है बात करने की, बात सुनने की, बात कहने की, वो सिर्फ कुछ ही हाथों में होती है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट या पावर इन फ्यू हैंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है वो टॉप से लेके लोअर तक, लोअर से लेके टॉप तक सबसे करी जाती है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद स्केलर चेन, स्केलर चेन एक ऐसी चेन होती है जो अथॉरिटी और कम्युनिकेशन को हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक तक फ्लो करवाती है, यानी कि जो हमारे सुपीरियर हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, उन सबको ये लाइन फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन टेलर ने सजेस्ट किया है कि अगर किसी इमरजेंसी में आपको किसी बंदे से डायरेक्ट बात करनी है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लांक। टेंथ हमारा प्रिंसिपल है, टेंथ प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये नहीं किसी को ऑर्डर देना, ऑर्डर का मतलब ये है कि हमारी कंपनी में जिस चीज़ को जहाँ पर रखने की जगह होनी चाहिए वो वहीं पर हो। अगर डेली आप उसकी जगह शिफ्ट करोगे तो मैनेजर बार बार कन्फ्यूज आएगा, कल तो ये चीज़ यहाँ रखी थी अब कहाँ रखी है। जैसे लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, है ना, तो वो वहीं होनी चाहिए। मशीन कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पर है वहीं होनी चाहिए, यानी कि हर प्लेस, हर चीज़ की जो जहाँ पर प्लेस डिसाइडेड है वो वहीं होनी चाहिए, वो होता है ऑर्डर। उसके बाद इक्विटी, इक्विटी का मीन्स सेम रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय के बीच है, यानी कि आपके सभी एम्प्लॉई आपके लिए समान होना चाहिए, कोई कास्ट का, कोई रिलीजन का, कोई सेक्स का, कोई डिफ्रेंशिएट आप में नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, जब भी एक एम्प्लॉई एसोसिएशन में वर्क करता है तो उसके मन में ये डर रहता है मैं आज हूँ कल हूँगा या नहीं हूँगा, तो हमें उसे मोटिवेट करके ये बताना चाहिए कि यार तुम टेंशन मत लो, कंपनी जब तक है तुम कंपनी का हिस्सा रहोगे, है ना। उसके बाद आता है 13 प्रिंसिपल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मींस कि आपके कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉई अपनी कोई राय देना चाहता है तो आपको उसकी राय सुननी चाहिए, उसके सजेशन को वेलकम करना चाहिए। और लास्ट है एस्प्रेट डिकॉप्स, ये हमारा कुछ कुछ प्रिंसिपल टेलर के प्रिंसिपल जो हमारा था कौन सा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उससे सजेस्ट करता है, यानी कि लोगों के बीच में जो एकता है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समाप्त होता है। जिन बच्चों ने मेरे से केस स्टडी मांगी थी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, वो मैंने उनको प्रोवाइड कर दी है। और इसी के साथ वीडियो यहाँ समाप्त, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।